शहरवासियों को काफी तरसाने के बाद आखिरकार बादल क्या मेहरबान हुए। नागपुर में तीन दिन से लगातार धुआंधार बारिश की शुरुआत हो गई है, तो वही इससे मनपा की जल निकासी व्यवस्था भी इसकी भी पोल खोल हुई है। कई इलाकों में पानी भर गया तो कई सड़कें जलमग्न हुई है। शहरवासियों को काफी तरसाने के बाद आखिरकार बादल क्या मेहरबान हुए। गुरुवार को 1:30 बजे से जो धुआंधार बारिश शुरू हुई तो वो शुक्रवार तक जारी रही। आपको बता दें तो इस वजह से ही मनपा की जल निकासी व्यवस्था की भी पोल खुल गई। दरअसल कई इलाकों में पानी जो है वो घुटनों तक भर आया, कई सड़कें जलमग्न हुई तो कुछ स्कीमों में पानी कमर तक भर गया और लोगों को पानी निकालने की मशक्कत करते हुए देखा गया। नाले व नाग नदी भी कुछ समय के लिए उफान पर रही। मौसम विभाग की माने तो शाम 5:30 बजे तक सिटी में 87.05 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वह इस सीजन की एक दिन में सर्वाधिक बारिश मानी जा रही है। विभाग ने संभावना जताई है कि आगामी 48 घंटे में इसी तरह का मौसम बना रहेगा, यानी कि 8 और 9 जुलाई को भी भारी बारिश होने की संभावना है। 13 जुलाई तक इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना है। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट आई है। अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।